शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। ए वो श्याम सुंदर का लट है ना, आज इसी लट से तुम्हें सजा मिलेगी, मौत की सजा। ऐसा क्या दुख है जो अपना जीवन समाप्त करना चाहती है? अगर मैं जिंदा रही तुम सबका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। तब मैं मार डालूंगी। मैं डायन हूँ। चलिए हमारे साथ लट्टू गोपाल की शरण में, वो आपके सारे डर सारे दर्द दूर कर देंगे। चलिए। नहीं तुलसी, रुक जाओ तुलसी। मनुष्य के किए गए कर्मों का फल कभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ते। वो अपने कर्म से चाहे जितना भी भाग ले, किंतु एक ना एक दिन उसे अपने कर्म फल का सामना करना ही पड़ता है, और इसी संसार में करना पड़ता है। यही है मेरा कर्म विधान, यही है मेरा कर्म का सिद्धांत। सुगंधा दीदी, आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना। अपने आप को समर्पित कर दीजिए लट्टू गोपाल को। अपनी सारी पीड़ा सारा दुख उनसे कह दीजिए। आइए। ऐसे कहो, मेरी पीड़ा कोई नहीं समझ सकता। दीदी, जिसे संसार में कोई नहीं समझ सकता उसे भगवान समझते हैं। आप कोशिश तो कीजिए। हे लट्टू गोपाल, सुगंधा दीदी आपकी शरण में आई। आप तो सबके दुख सुनते हैं, सुगंधा दीदी का भी दुख सुनिए। सुनेंगे ना लट्टू गोपाल? सच्चे मन से गई गई हर बात मुझ तक पहुंचती है। कहिए देवी, मैं आपके मन का दुख सुन रहा हूँ। मेरा जीवन नष्ट हो चुका है। लोगों ने मुझे एक स्त्री से डायन बना दिया है। सब मुझे मारना चाहते हैं, बेहाल कर देना चाहते हैं। कौन कौन मारना चाहता है आपको? आप किसकी बात कर रहे हैं? सब गांव के लोग, मेरे अपने लोग सब। मारो मारो मारो, डायन हमारे बच्चों को खा जाएगी। मारो 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 मारो, डायन को मारो। अरे मारो 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 मारो, डायन हमारे बच्चों को खा जाएगी। मारो 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 मारो, डायन को मारो। मारो अरे मारो 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 मारो, डायन को मारो। पर लोग ऐसा कैसे कह सकते हैं? इसमें लोगों की गलती नहीं, दरअसल मैं ही पांच हूं। जब भी मेरे घर में कोई बच्चा आता है, कुछ ही सप्ताह में वो चल बसता है। यही नहीं, जहां जहां भी मैं जाती हूँ वहां पे बच्चे बीमार पड़ने लगते हैं, इसलिए लोगों ने मुझे डायन मान लिया है। पर ये गलत है। बच्चे बीमार पड़ते हैं तो उनका इलाज करवाना चाहिए, उन्हें अस्पताल लेकर जाना चाहिए। पर कुछ लोग इतने अंधविश्वासी होते हैं, खुद का कर्म तो नहीं करते, उसके बदले दूसरों को दोष देने लग जाते हैं। ये अंधविश्वास नहीं, अच्छा
बेटा, उस बच्चे के रोने की आवाज मुझे ही क्यों सुनाई देती है? बच्चे के रोने की आवाज, किस बच्चे के बारे में बात कर रही हैं आप? पता नहीं, मैं उस बच्चे को कभी नहीं मिली, मैंने तो उसे कभी देखा भी नहीं। पर हर वक्त मुझे यह आभास होता है कि वो मुझे पुकार रहा है। ऐसे एक बच्चे के रोने की आवाज तो हमें भी सुनाई देती है। नेताजी, आपकी कोई गलती नहीं है, आप तो मोहरे हैं और मोहरे को चुप ही रहना चाहिए। तथावाचक को बेल मिलने का बहुत दुख है मुझे, और वो दुख तुमने नहीं दिया। तुमने कहा कंप्लेन वापस ली? कंप्लेन तो तुमसे वापस करवाई गई तुम्हारी पत्नी ने। तो अपराधी कौन? तुम्हारी पत्नी। और सजा किसे मिलनी चाहिए? तुम्हारी धर्म पत्नी को। तो बताओ, अब क्या दंड दूं इस बहू को? अब तुम ही फैसला करो कि तुम्हें अपने पति के जिंदा रहते विधवा बनना है या उसके मरने के बाद। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें भी सुनाई देती है? ये जरूर लड्डू गोपाल की कोई कृपा दी थी। वो चाहते हैं कि हम दोनों मिलकर इस बच्चे के रहस्य को सुलझाएं, इस बच्चे के दुख को दूर करें। इसलिए उन्होंने हमें आपसे मिलवाया। क्यों लड्डू गोपाल, सच कह रहे हैं ना हम? है प्रिय दर्शन परम सुख, है प्रभु दीन दयाल, कृपा सिंधु करुणा निधि तेरा। दीदी ये लीजिए, अपनी सारी समस्याओं को लड्डू गोपाल को सौंप कर उन्हें भोग लगाइए, वो सब ठीक कर देंगे। कृपा सिंधु करुणा निधि चाहिए तेरा हृदय विशाल। तू प्रियतम की प्रीत है माताओं का लाल, निर्धन की तू संपदा जय लड्डू। कौन, किसकी बात कर रही है आप? यहाँ कोई नहीं है।
तो तू यहाँ छुपी बैठी है डायन। अब तेरी बली देने से मुझे ब्रह्मांड की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। जय भैरवा। इस संसार में भक्ति के अनेक मार्ग थे, तंत्र, मंत्र, हवन, यज्ञ, तप, दान। मार्ग अनेक, पर सबका उद्देश्य एक, अपने आत्मज्ञान से ईश्वर तक पहुंचना, मुझ तक पहुंचना। परंतु लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए उस सभी पवित्र मार्गों को भ्रष्ट कर दिया और ईश्वर साधना को शैतान प्राप्ति का साधन बना दिया। इसलिए अब केवल सच्ची भक्ति ही है जो इन भ्रष्ट लोगों को सही दिशा दे सकती है। बलि, किस युग में जी रहे हैं आप? और आप लोग हैं कौन? जिंदा को मार दूं, मरे हुए को जिंदा कर दूं। मैं हूं काल भैरव का भक्त, भैरवनाथ। अब जिएगा संसार और मरेगी ये डायन। ले चलो इसे यहाँ। एक मिनट, बंद कीजिए अपना ये पाखंड। सुगंधा दीदी कहीं नहीं जाएंगी। जिसका डर था वही हुआ। हाँ, डायन कभी अकेले कहीं नहीं जाती। वो जहां भी जाती है मुसीबत साथ लेकर आती है। ए मूर्ख कन्या, मेरी साधना को पाखंड कहती है। अब तो तुझे दिखानी ही होगी मेरी तंत्र शक्ति। नहीं, नहीं। तुलसी, तुलसी ये सब क्या है? कौन है ये लोग? ये क्या चाहते हैं हमसे? भलाई चाहता हूं मैं तुम सबकी। तुम सब एक डायन को इस घर में शरण दे रहे हो। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो इसे ले जाने दो मुझे यहां से। ये इनसे हमारा कोई नाता नहीं है। आप लेके जाइए इन्हें, आपको जो करना है करिए। माँ, ये क्या कह रही हैं आप? वो बलि चढ़ाना चाहते हैं सुगंधा दीदी की। हम उन्हें ऐसा नहीं कहीं दे सकते। ए मूर्ख कन्या, एक हट योगी से हट कर रही है तू। हट योगी नहीं, पापी हैं आप। और अगर यहाँ से सीधा जेल नहीं जाना चाहते ना, तो निकल जाइए हमारे घर से अभी के अभी। अच्छा, भैरवनाथ को चुनौती। जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा, परंतु इस डायन को अपने साथ लेकर। बहु राजनीति अच्छी चीज है, पर बाप के साथ नहीं करनी चाहिए। बोलो बोलो, अब क्या सजा दूं तुम्हें? आपको जो सजा देनी मुझे दीजिए। पालकर जी को माफ कर दीजिए बाबू जी। इसे कहते हैं सच्चा प्रेम। एक को सजा दो तो दर्द दूसरे को होता है। ये प्रेम ही परिवार के खिलाफ षड्यंत्र रचता है, इसलिए इस प्रेम को ही अब सजा देनी होगी। बड़ी बाबू, अपना कर्तव्य निभाओ और मिटा दो अपनी देवरानी के माथे से उसका सुहाग का सिंदूर। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। सुहागन के मांग का सिंदूर मिटाना इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। मैं ये होते
में नहीं देख सकती, ये मैं नहीं। नहीं 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 धर्मपत्नी जी, देखना तो होगा त्रिगुण के खिलाफ जाकर पत्नी धर्म निभाने वालों का क्या हाल होता है। बड़ी बहू शुरू करो फाल्गुनी को विधवा बनाने का संस्कार। अगर आपके पास तंत्र की शक्ति है तो हमारे पास भी लड्डू गोपाल की भक्ति है। लड्डू गोपाल तो फिर रोक कर दिखा मुझे। करता करे न कर सके तांत्रिक करे सोए, तीन लोक नौखंड में भैरवनाथ से बड़ा न कोई। जय भैरवनाथ। आदेश है मेरा, आदेश का पालन हो। सब कुछ छीन कर मुझे नौकरानी बनाना चाहती थी ना, देख आज तेरा सुहाग भी छिन गया, वो भी पति के जिंदा रहते। बस एक ही चीज की कमी रह गई, संपत। बहू तुमने लड्डू गोपाल के एक भक्त की मदद की है, इसलिए आप तुम्हें भी एक भक्त की तरह सादा जीवन जीना होगा। त्रिगुण धाम में रहना है तो त्रिगुण त्रिगुण कहना है। इस घर के हर सदस्य को ध्यान रहे कि अगर किसी ने मुझसे पूछे बिना अपना दिमाग चलाया तो उसके लिए इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद। क्योंकि त्रिगुण ही कानून है, त्रिगुण ही जज और त्रिगुण ही अंतिम फैसला। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो उसी गड्ढे में गिरता है।
त्रिगुण, तुम मेरे भक्तों पर झूठे आरोप लगाकर छल प्रपंच के जाल में फंसा कर उन्हें और उनके परिवार को तोड़ना चाहते थे, पर तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें ही मिला है। आज तुम्हारा ही परिवार तीन के कर बिखर रहा है। तुम्हारे अधर्म के कारण आज तुम्हारे परिवार में वह खलक और अशांति फैल गई है, जिसका दुख नर्क के दुख से भी अधिक होता है। दीदी बचाओ मुझे, दीदी सुगंधा दीदी उठिए, उठिए उठिए उठिए, कुछ नहीं होगा दीदी उठिए, मुझे बचा ले, मार डालेगा मुझे, क्या हो रहा है, मार डालेगा मुझे, कुछ हो रहा है, न काल न महाकाल, अब कोई नहीं बचा सकता तुझे भैरवनाथ से। ये क्या किया आपने सुगंधा दीदी के साथ? ये तो मेरी तंत्र शक्ति का छोटा सा नमूना है लड़की। ये कोई आपकी शक्ति नहीं, बस डर है। दीदी, दीदी, आप डरिए मत। आप अपने मन से इनका डर निकाल देंगी ना तो कुछ भी नहीं होगा, डरिए मत। अरे मुझे बचा लो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं कुछ के वश में नहीं हूँ। ले चलो इसे यहाँ से, ले चलो। खबरदार, खबरदार, जो कोई एक कदम आगे बढ़ा तो। तुलसी, एक पराई औरत की वजह से अपना जीवन क्यों संकट में डाल रही हो? जाने दे, हट जा इसके रास्ते से। आप क्या कह रही है? आपको तो हमारा साथ देना चाहिए। और आप लोग देख क्या रहे? निकालिए इस पाखंडी को हमारे घर से बाहर। ना कोई काल का सामना कर सकता है और ना भैरवनाथ का। देख क्या रहे हो, आगे बढ़ो, पकड़ो उसे। शांत हो जा, चली जाने दे इस बला को हमारे घर से, मत रोक उसका रास्ता। बाप बला नहीं है ये, एक स्त्री है बिल्कुल हमारी तरह। और अब हट जाइए हमारे रास्ते से। बस अब अधिक समय नहीं है मेरे पास, जल्दी करो। मोरपंखी बालक कैसे बचाए दीदी के जीवन को? तुलसी, समस्या का हल उसके आरंभ में ही छुपा होता है। आरंभ? पता मुझे कहाँ है वो बालक, नहीं तो अब तुझे मार कर मुझे तेरी अंतरात्मा से ही पूछना पड़ेगा। रुक जाओ भैरवनाथ, टाइम से पहले तुम्हारी बलि देनी होगी मुझे। दुनिया की नजरों से परे तुलसी के बनने सारथी आ रहे हैं तुलसी धाम के लड्डू गोपाल, सिर्फ शिमारू टीवी पर।